के साथ हर घाव भर जाता है। लेकिन सोनम, हमारे लिए बात कभी सही साबित नहीं होगी। वो घाव पहले भी नहीं भर पाया, ना आज भर पाएगा। ए रुक, क्या हुआ? ऐसे अंदर आके बाहर क्यों जा रहा है? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sonam. Happy birthday to you. देखा, मैंने तुम्हारा एक भी बर्थडे मिस नहीं किया। और अब इस बार का बर्थडे तो स्पेशल वाला बर्थडे है, क्योंकि अब हम एडल्ट हो गए हैं। वी आर 18 नाउ। और अब हम अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। और इसलिए सोनम, मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं दुनिया को बता दूंगी कि तुम मिसिंग नहीं थी, तुम्हारा मर्डर हुआ था। कौन है लड़की और किस सोनम की बात कर रही है जिसके मर्डर होने की बात बोल रही है? सर, मैं ना तो इस लड़की को जानता हूं, ना ही किसी सोनम को। मुझे तो बस ये सीडी मिली थी इस लैपटॉप में, जो कल ही सेकंड हैंड खरीदा था मैंने। कहाँ से खरीदा था? सर, एक कबाड़ वाले से। एक्चुअली कल मैं इंद्रपुरम मार्केट में था और वहीं कबाड़ वाले के पास ये लैपटॉप देखा था मैंने। ये लीजिए सर। लैपटॉप का चार्जर नहीं था उसके पास, लेकिन कंडीशन देखकर ये लैपटॉप उस कबाड़ वाले से खरीद लिया मैंने। दरअसल मेरे पास घर में पुराने लैपटॉप का चार्जर पड़ा था जो इसमें लग गया सर। लैपटॉप बिल्कुल चालू कंडीशन में था, लेकिन उसकी सीडी ड्राइव में एक सीडी थी। सर, जैसे ही सीडी प्ले की, उसमें इस लड़की की फुटेज मिली। मुझे लगा कि आपको सब आके बता देना चाहिए। बिल्कुल सही किया तुमने। कन्फेशंस ऑफ मर्डर। आई नो तुम मुझे ब्लेम करती हो कि मैंने अब तक ये सच छुपाए रखा, लेकिन तब ये बात किसी को बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बहुत डरी हुई थी सोनम, लेकिन अब मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। सॉरी सोनम, मुझे भी जाना पड़ेगा। तरुण, प्लीज थोड़ी देर बाहर वेट करो। या श्योर सर। थैंक यू। क्या लगता है तुम लोगों को, इस रिकॉर्डिंग में कुछ सच्चाई है? सर, ऐसे देखने से तो ये लड़की नॉर्मल लग रही है, लेकिन जिस तरह से इसने कैमरे के सामने आके अपने सामने एक लड़की को एज्यूम किया है, वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। अभिषेक। सर क्या बताइए, ये लड़की ऐसे कैमरे के सामने आके किसी ड्रामे वगैरह की रिहर्सल कर रही हो? अभिषेक, अगर ये लड़की वाकई में कोई ड्रामा कर रही थी तो परफॉर्मेंस बहुत रियल थी सर। हो सकता है ये सब रियल ही हो, क्योंकि जब डोरबेल बजी तो ये लड़की बाहर की तरफ गई और बाहर की तरफ से वापस आकर इसने सोनम को ही एड्रेस किया। सॉरी सोनम, मुझे भी जाना पड़ेगा। ये जो डोरबेल वाला पार्टनर है, मुझे बिल्कुल ड्रामा नहीं लग रहा है। हमें इस लड़की और इसकी दोस्त सोनम के बारे में सच्चाई पता करनी होगी, क्योंकि अगर इसमें सच्चाई है तो मामला मर्डर का बनता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये केस जब हमारे पास आया तब हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वाकई में कोई मर्डर केस है या फिर ये हमारा वक्त जाया करने वाला है। लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था जो सीडी की फुटेज में किसी सोनम नाम की लड़की के मर्डर होने का दावा कर रही थी, और वो किस सोनम की बात कर रही थी हम ये भी नहीं जानते थे। उस लैपटॉप का आईपी एड्रेस पता करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, और ना ही उस लैपटॉप पर कोई बारकोड था जिससे हम उस लैपटॉप के ओरिजिनल बायर तक पहुंच पाते। अब हमें एक लंबा रास्ता अपनाना था। एक तरफ हम के डेटाबेस से उन सभी सोनम का डेटा निकाल रहे थे जो अब तक गायब थी, और दूसरी तरफ हम उस कबाड़ वाले की दुकान पर पहुंचे जहां से वो सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा गया था। सर, यही वो दुकान है जहां से मैंने लैपटॉप खरीदा था। हाँ साहब, ये लैपटॉप मैंने इनको बेचा था, लेकिन बात क्या है साहब? ये लैपटॉप जो तुमने इनको बेचा,
इस लैपटॉप में हमें ये सीडी मिली थी, किसकी है ये? सीडी? सीडी के बारे में तो कुछ नहीं जानता साहब, लेकिन ये लैपटॉप मैंने कबाड़ में खरीदा था। किससे खरीदा था? साहब मेरे आसपास के मोहल्ले में बहुत सारे कबाड़ वाले, वो घर घर जाके कबाड़ खरीदते और वही माल मुझे बेचते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हें ये रद्दी कबाड़ का सामान बेचते हैं? यही कोई 10-12 से ज़्यादा होंगे। साहब मैं उन लोग से बात करके आपको बताता हूँ ये लैपटॉप मेरे पास कौन लेके आया और कहाँ से लेके आया। इस लैपटॉप में हमें ये सीडी मिली, हो सकता है इस लैपटॉप के साथ किसी ने सीडी भी बेची हो। हो सकता है साहब, ऐसी पुरानी सीडीज में मैं खरीदता हूँ साहब, और ऐसी बहुत सारी सीडीज मेरे पास कबाड़ में भी है, चाहे तो आपको दिखा देता हूँ। सर ये तो बिल्कुल ऐसी सीडी है। Confessions of Murder 2, बिल्कुल सेम सीडी है। मनीष मुझे जल्द से जल्द वो रद्दी कबाड़ वाला चाहिए जिसने ये लैपटॉप और सीडी इसको बेचा। ओके सर। पांडे देखो ऐसी कोई और भी सीडी मिलती है क्या? सर यहाँ तो इतनी सारी मिसिंग सोनम है, हमें कौन सी सोनम चाहिए? शुक्ला ये सब तो मालूम नहीं, फिलहाल एक काम करो जितनी भी मिसिंग सोनम है सबके रिकॉर्ड निकालो। सर ये सोनम का चक्कर ना मुझे बड़ा घनचक्कर लग रहा है। आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी तब भी एक सोनम ऐसी फेमस हुई थी, वो सोनम जो बेवफा थी, जिसका नाम सबकी जुबान पे था लेकिन वो कौन है किसी को मालूम ही नहीं था। सर कहिए वही सोनम तो नहीं? शुक्ला सॉरी सर। ये सिक्का याद है सोनम? 10 साल पहले इसी 5 रुपए की शर्त लगाई थी मैंने तुमसे, और तुमसे हार जाने के बाद भी मैंने तुम्हें ये सिक्का वापस नहीं दिया, और फिर तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला ये देने का। 10 साल हो गए उस हादसे को, वो दिन याद आते मन कांप उठता है मेरा। शुक्ला एक काम करो सभी सोनम को स्टेट वाइज डिवाइड करो, सर को बताने में इजी होगा। ओके सर। जैन सर, सर के डाटाबेस से सोनम नाम से दर्ज हुए 50 से ज्यादा मिसिंग कंप्लेंट का पता लगा लिया मैंने। अभिषेक फिलहाल तुम उन सभी केसेस को जीरो डाउन करो जो 10 साल पहले हुए थे, और उन सभी स्टेट को फोकस करो जहां पर हिंदी बोली जाती है। इस वीडियो वाली लड़की के एक्सेंट से लग रहा है कि ये लड़की और इसकी दोस्त सोनम ये नॉर्थ इंडिया के रहने वाले। ठीक है सर। मैं अभी तक नहीं उभर पाई उस हादसे से, पर जब तुम थी वो भी क्या दिन थे, हम घंटों घंटों खेलते रहते थे। रेडी? हाँ ठीक है। 1 2 3 ये मैं जीत गई, मैं जीत गई। ये यार सोनम तो हमेशा मुझसे जीत जाती है, तुझे तो हार नहीं था, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती। अब चल मेरे 5 रुपए निकाल। मेरे पास सिर्फ यही 5 रुपए, ऐसा करती हूँ मैं तुझे कल दे देती हूँ। अच्छा ठीक है चल अब चल। और मैं हमेशा तुम्हें टालती रहती थी, मैंने सोचा था अगली बार जीत जाऊंगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा, पर हमारा हिसाब आज तक बराबर नहीं हो पाया। और मुझे पता है तुम बेस्ट हो, तुम्हारे जैसे हमारे गांव में कोई नहीं था। कौन? और इसी बात से मैं तुमसे जेलस फील होती थी, पर मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं होने दिया। लेकिन अब तुम्हें खोने के बाद मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने आप को कोसती थी। मैं ऐसे कैसे सोच सकती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन अब मैं सब कन्फेस करूंगी।
अरे दीदी आप फिल्म बना रहे हो मेरा? अरे नहीं नहीं, तुम आओ ना अंदर, मुझे ना चाय बना के दे दो। इन मिसिंग सोनम में से जितनी भी सोनम गांव की रहने वाली है उनको जीरो डाउन करो। उस लड़की ने सोनम का 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। आज से 10 साल पहले सोनम की उम्र 8 साल की रही होगी। 8 साल की सोनम गांव की रहने वाली है। मैं चेक करता हूं सर। मनीष सर, उस लड़की ने अपनी पहली सीडी में बोला है कि सोनम का मर्डर हुआ था, और दूसरी सीडी में जो उसने बोला है वो बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। कम, मैं तुमसे जेलस फील होती थी, पर मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं सब कन्फेस करूंगी। सीडी पर लिखा है कन्फेशन ऑफ मर्डर, और यहां पर ये लड़की खुद कन्फेस करने की बात कर रही है। मतलब सर, आप कहना चाहते हैं कहीं इसी लड़की ने सोनम को? यस। इस वीडियो में इस लड़की की उम्र 17-18 साल से ज्यादा की नहीं लग रही है। मतलब जब सोनम मिसिंग हुई तो ये लड़की लगभग 7-8 साल की रही हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस उम्र में हमें इस लड़की को अच्छे से समझना होगा। मनीष, वो दूसरे कबाड़ी वाले का पता चला जिसने वो लैपटॉप उस कबाड़ी की दुकान पे बेचा था? जी हाँ सर, उसका पता चल गया, श्यामू से लेकर आ रहे हैं। गुड, आते ही मेरे पास भेजो। सर, साहब मैं अलग अलग कॉलोनी में जाके घर घर जाके कबाड़ खरीदता हूँ साहब। वो सब मालूम है हमें, ये लैपटॉप किससे खरीदा था वो बोल। ये ले साहब, ये तो मुझे याद नहीं, बहुत दिन हो गए साहब। इस लड़की से खरीदा था साहब, उसका चेहरा तो याद नहीं, लेकिन हाँ साहब, अब ये लैपटॉप मुझे किसी औरत ने ही बेचा था साहब। हाँ रखो, इधर रखो। हाँ। इन सबका 100 रुपए होगा। क्या भैया 100 रुपए? लैपटॉप है, लैपटॉप देखो बहुत महंगा आता है। चलाना आता है तुमको? नहीं, लेकिन महंगा आता है। अरे ये वैसे ही भंगार में ही जाएगा, 200 रुपए से ज्यादा नहीं। बताओ बेचना है? ठीक है। कौन औरत थी वो? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन साहब मैं उस टाइम गणेश नगर में था, हो सकता है वो आसपास वहीं रहती होगी। सुन, क्यों रखी वो? हाँ साहब यही तो है, इन्होंने मुझे लैपटॉप बेचा था। गणेश नगर में इस औरत ने जहां पर तुझे लैपटॉप बेचा था वो जगह दिखा हमें। शुक्ला, मैगमिन सर, सर के डाटा बेस से एक 8 साल की सोनम त्रिपाठी की मिसिंग रिपोर्ट मिली है, जो गोमती नगर के बुधवा गांव के रहने वाली है, और ये 10 साल पहले से मिसिंग है सर। केस अभी तक बैकलॉग में है। बुधवा गांव, गोमती नगर। इस कबाड़ वाले ने गणेश नगर में जहां से लैपटॉप खरीदा था वहां से गोमती नगर लगभग 65-70 किलोमीटर दूर होगा। हाँ सर, इसीलिए लग रहा है कि हमें जो सोनम चाहिए वो यही सोनम त्रिपाठी हो सकती है। मनीष, गोमती नगर थाने से इस सोनम त्रिपाठी की डिटेल्स निकालो। सर, हाँ साहब यही जगह थी। अब मैं इधर से आ रहा था और वो औरत पीछे से ही आई थी, और यहीं पे मैंने लैपटॉप खरीदा था साहब। अब मुझे लगता है साहब आसपास ही रहती होगी। सर, सोनम त्रिपाठी जयचंद और शालिनी त्रिपाठी की बेटी थी। सोनम के मिसिंग होने के बाद उसके बारे में कोई लीड नहीं मिली थी, लेकिन सोनम के मिसिंग होने के 6 महीने के बाद उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। क्या? जी हाँ सर, उन लोगों ने जहर खा के सुसाइड किया था, और सबसे पहले उनके एक पड़ोसी ने उनको घर में मरा हुआ देखा था। उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस जब मौके वारदात पे पहुंची तो घर में उनको जूसेस के 2 ग्लासेस मिले। ग्लासेस पर पॉइजन के ट्रेसेस मिले थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया था कि उन लोगों ने जहर खा के सुसाइड किया है, और इसी वजह से केस क्लोज हो गया। उस वीडियो वाली लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन? सर, जो ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका तो ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए कहना मुश्किल है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वीडियो वाली लड़की सामने आई होगी या नहीं। ये वीडियो वाली लड़की सोनम की दोस्त थी, तो उसके आस पड़ोस या स्कूल में पढ़ने वाली भी हो सकती है। उस लड़की ने वीडियो में कहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और इधर सोनम के मिसिंग होने के बाद उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। इन केसेस को अच्छे से समझना होगा। सोनम त्रिपाठी के अड़ोस पड़ोस में पता करो। सर। हाँ श्याम। सर, उस औरत का पता चल गया है जिसने उस कबाड़ी वाले को लैपटॉप बेचा था। गुड, थाने बुला लो उसको। साहब ये तो जागृति मैडम है, मैं इनके यहाँ काम करती थी। और जागृति का ये लैपटॉप जो तुमने उस कबाड़ वाले को बेचा था? हाँ साहब, लेकिन ये लैपटॉप मुझे जागृति मैडम के मकान मालिक ने दिया था। जागृति का मकान मालिक?
तो जागृति कहाँ है? मालूम नहीं साहब अभी वो कहाँ है, लेकिन पहले वो पारिजात कॉलोनी में किराए पे रहती थी। जागृति का मकान मालिक कौन, नाम क्या उसका? अब मुकेश वर्मा। जागृति का ये लैपटॉप उसके मकान मालिक के पास कैसे आया जो उसने तुम्हें दिया? साहब वो 3 महीने पहले अचानक से जागृति मैडम कहीं चली गई थी। कहाँ चली गई? मालूम नहीं साहब, लेकिन वो अपना सारा सामान मुकेश भाई के घर पे ही छोड़ के चली गई थी, और मकान का किराया भी नहीं दिया था, और साहब मेरी तनख्वाह भी बाकी थी, इसीलिए मुकेश भाई ने ये लैपटॉप मुझे दे दिया। साहब। हाँ। बुलाया था, कोई काम है क्या? हाँ सुन, जो भी जागृति का सामान है ले जा। मैं? हाँ। जागृति मैडम के बारे में कुछ पता चला क्या? अरे उसके बारे में मालूम चलता तो उसका सामान तुम्हें क्यों देता, उसकी तरफ से तुम्हारी तनख्वाह बाकी है ना। हाँ। तो जो भी तुम्हारे काम लगे तुम ले लो, बाकी सब फेंक दो। साहब उनके सामान में ये लैपटॉप और बहुत सारी सीडी थी जो मैंने कबाड़ में बेच दी थी। कमाल है तुम और तुम्हारा मुकेश भाई। और कौन कौन रहता था जागृति के साथ? साहब वो अकेली ही रहती थी, उनको देख के कभी लगा नहीं था साहब कि मेरा पगार दिए बिना गायब हो जाएंगी, बहुत सीधी सादी थी साहब, और बाकी लोग जैसे चिक चिक भी नहीं करती थी। दीदी चाय। और वो दीदी आपको सब्जी लाने के लिए बोले थे ना, तो अगर आप नहीं ला सकते तो मुझे बोल देते, पैसे दे दोगे तो मैं ले आऊंगी। मैं पैसे देती हूँ। पर दीदी अभी पैसे दोगे सब्जी लाने जाऊंगी तो देर हो जाएगी ना, मैं खिचड़ी बना दूँ? ठीक है, तुझे जो आसान लगे वो बना, पेटी तो भरना। साहब कोई तो दुख था उनको, हमेशा ना गुमसुम सी रहती थी, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। जागृति का मोबाइल नंबर तो होगा तुम्हारे पास? नहीं साहब, उन्होंने कभी अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया। जागृति के उस मकान का मैं एड्रेस दो जहाँ पर वो ड्राइवर रहती थी, और जागृति का मकान मालिक कहाँ रहता है? नमस्ते साहब। हम यहाँ सोनम रहती थी, उसके बारे में क्या जानते हो तुम? सोनम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और अचानक उसके खो जाने से उसके माँ बाप ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर सके, और इसीलिए उन्होंने शायद आत्महत्या कर ली। कि सोनम के परिवार में और कौन कौन था? सोनम के पापा के बड़े भाई हैं। सोनम के माँ बाप को देखने के बाद सबसे पहले मैंने उनको ही फोन किया था। हेलो, क्या? फिर कुछ समय पहले सोनम के ताऊ ने ये मकान बेच दिया था। अच्छा, ये जागृति है सोनम की बचपन की दोस्त, इसे पहचानते हो तुम? नहीं साहब, मुझे नहीं याद आ रहा, और ये तो बड़ी हो गई है साहब, मैं कैसे पहचानूंगा। अच्छा, इस सोनम के ताऊ कहाँ रहते हैं? साहब वो वैशाली में रहते। सर मुझे सच में नहीं पता कि जागृति अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि जागृति इस घर में अकेली रहने वाली थी, जबकि ये घर मैंने जागृति और उसके भाई को दोनों को किराए पे दिया था। जागृति का भाई? हाँ सर, लेकिन जब भी मैं किराया लेने आता था मैंने उस लड़के को अभी देखा नहीं। अंकल ये लीजिए आपका रहना। थैंक यू। आप कुछ चाय वगैरह लेंगे? नहीं नहीं थैंक यू। आपका भाई नजर नहीं आ रहा। अच्छा वो गौतम, वो बाहर गया हुआ है। नाम क्या जागृति के भाई का? बताया तो गौतम था सर, लेकिन पता नहीं असली या नकली। मतलब ये कि एकदम चालू किस्म का लड़का था सर, इस घर का अग्रीमेंट उसी के नाम पर था, लेकिन जो भी डिटेल्स उसने दिया वो सारी फेक निकली। फेक? हाँ सर। सर उन दोनों को देखकर कभी लगा नहीं कि दोनों ऐसे निकलेंगे। अंकल घर तो काफी अच्छा लगा हमें, लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा बोल रहा। अरे बेटा पसंद है तो थोड़ा कम ज्यादा कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुम दोनों हो कहाँ से? अजमेर से। अजमेर? हाँ। तो यहाँ फिर गाजियाबाद में कैसे? वो एक्चुअली हम दोनों भाई बहन का यहाँ KMT कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वो इसी चक्कर में। इतना सब था तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं इस घर के किराए से अपनी होम लोन की EMI भरता हूँ, मुझे लगा कि मैं आपको ये सब बता दूंगा तो कहीं चक्कर लंबा ना हो जाए सर, लेकिन मैंने 2 महीना इंतजार किया था। कब से गायब है दोनों बहन भाई? सर 3 महीने पहले जब मैं यहाँ पे किराया लेने आया था तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, जागृति का नंबर था नहीं तो उसके भाई गौतम को फोन किया मैंने। नमस्ते अंकल। बेटा आज किराया देना था। हाँ तो मेरी बहन घर पे होगी ना, उनसे ले लीजिए। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। क्या अंकल, मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? फिर उसने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया सर, और कुछ दिन बाद उसका फोन बंद आने लगा। फिर मैंने अपने अजमेर के एक रिश्तेदार को उनका अजमेर का एड्रेस दिया, बोला जाकर पता करो, लेकिन सर एड्रेस ही गलत था। मैं क्या करता सर, इसलिए मैंने उनका सारा सामान निकाल दिया और घर किराए पर दे दिया। गौतम का नंबर दीजिए हमें। जी सर। और हमें घर भी चेक करना है। आई सर, मैं किराएदार को बोल देता हूँ, प्लीज।
अभिषेक घर भी वही है जो वीडियो में है और ये सारा सामान भी वही है। ये सारा फर्नीचर आप ही का है? हाँ सर, ये सारा फर्नीचर मेरा ही है। सर, जब हम यहाँ पर रहने आए थे तो इस कबाट के अंदर कुछ सामान था जो हमारे कुछ काम का नहीं है, तो हमने वो सामान एक बॉक्स में रख के इस पलंग के नीचे रख दिया है। सर ये देखिए, कन्फेशन ऑफ मर्डर। सर ये देखिए और भी हैं, कन्फेशन ऑफ मर्डर 3, 4, 5, 6 चार सीडी। एक सीडी मिली लैपटॉप में, दूसरी सीडी मिली कबाड़ी के पास, और वैसी ही चार सीडी है। लेकिन सर जागृति और उसके भाई का फेक एड्रेस देके यहाँ रहने का मामला कोई समझ नहीं आ रहा है। मकान मालिक मुकेश और मेड सविता के बारे में सब कुछ पता करो। हो सकता है ये लोग बहुत कुछ जानते हो लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हो। मुकेश ने बताया था कि जागृति और गौतम ने केएमटी कॉलेज में एडमिशन लिया था। केएमटी कॉलेज से भी इनके बारे में पता करो। सर जी साहब, हम आपसे सोनम मिसिंग केस और उसके पेरेंट के सुसाइड केस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, लेकिन इतने सालों बाद आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम सोनम मिसिंग केस दोबारा ओपन कर रहे हैं। क्या सोनम के बारे में आपको कुछ पता चला है क्या? पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ, हो सकता है सोनम के पेरेंट्स को इस बात का पता हो। क्या उन्होंने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया? नहीं सर, वो तो इसी उम्मीद में बैठे थे कि सोनम उन्हें मिल जाए। किसे पता था वो ये सब कर लेंगे? हमारा आकलन ये कह रहा था कि सोनम त्रिपाठी ही वो बच्ची होगी जिसकी हत्या की बात वो लड़की कर रही थी, जिसकी पहचान जागृति के नाम से हुई थी। लेकिन सोनम के परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल, कहीं से भी हमें जागृति की बैकग्राउंड की कोई लीड नहीं मिली थी। और सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली जागृति 3 महीने से गायब थी। ये कई आपराधिक संकेत दे रहा था। सवाल ये भी था कि क्या जागृति को इसलिए गायब कर दिया गया था क्योंकि वो सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली थी, और तब जागृति के सामान में मिली बाकी की सीडीज इस केस को और भी पेचीदा करने वाली थी। सोनम, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारा था बल्कि मुझे भी अंदर से खत्म कर दिया था। पर मैं तुम्हें ये बात कभी बता नहीं पाई जबकि मैं जानती थी कि वो हमेशा से तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसको सब पता था कि हम कब कहां मिलते थे, कहां खेलने जाते थे। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें वहां अकेला छोड़ दिया। काश मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और रुकती। जैसे ही मैं गई थी वो आ गया था और तुम्हें छोड़ो, छोड़ो। मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी, मैं तुम्हारी तरफ भागी थी, लेकिन पता नहीं वो तुम्हें कहाँ ले गया। पर मैं तुम्हें ढूंढती रही, फिर मैंने देखा वो तुम्हारा तुम्हारा है। और फिर उसके बाद वो मुझे भी मारना चाहता था लेकिन मैं भागती रही। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं क्या कर सकती थी तब? मैं सहम गई थी, किसी को कुछ नहीं बता पाई, किसी को भी कुछ नहीं बता पाई। मेड सविता और मकान मालिक मुकेश ने कहा था कि जागृति के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन इस वीडियो में तो इसके पास मोबाइल फोन दिख रहा है। राइट सर, जागृति ने अपने वीडियो में बोला है कि कोई आदमी उनका पीछा करता था और उसने सोनम का रेप और मर्डर किया, जो जागृति ने सब कुछ विटनेस किया। सर मैं गोमती नगर थाने के रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो एक बहुत ही स्ट्रेंज बात मेरे सामने आई, और वो ये
कि सोनम के मिसिंग होने के बाद से 8 और बच्चियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी वहां पे, और उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में सोनम सहित गोमती नगर से 9 बच्चियां मिसिंग हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़े क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। जागृति ने अपने वीडियो में कहा है कि जो आदमी उनका पीछा करता था उसने सोनम का रेप और मर्डर करके उसे किसी तालाब में फेंक दिया था। पता करो बुधवा गांव गोमती नगर के आसपास जितने भी तालाब हैं पिछले 10 सालों में वहां पर कोई लाश मिली है क्या? ओके सर। कमिंग सर। यस कमिंग सर। इसका नाम गौतम है, केएमटी कॉलेज में पढ़ता है। सर जागृति भी केएमटी कॉलेज में ही पढ़ती थी लेकिन पिछले 3 महीने से कॉलेज नहीं गई। सर एक स्ट्रेंज बात पता चली है, गौतम का सरनेम खन्ना है जबकि जागृति का शर्मा। तो भैया गौतम जागृति का भाई कैसे हो सकता है? सर गौतम तो कॉलेज आ रहा है लेकिन जागृति कॉलेज नहीं आ रही है। सर कॉलेज से जागृति के पेरेंट्स के बारे में पता चला था, मैंने उन्हें फोन भी किया था। हेलो, आप जागृति के फादर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं गाजियाबाद थाने से बात कर रहा हूँ, क्या बता सकते हैं अभी जागृति कहाँ है? सर जागृति तो गाजियाबाद के केएमटी कॉलेज में पढ़ती है। सर जागृति के पेरेंट्स को तो ये मालूम ही नहीं कि वो गाजियाबाद में किराए पे कहाँ रहती है, बल्कि उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो 3 महीने से गायब है। जागृति के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर दिल्ली में। ठीक है, इस गौतम को लेकर आओ और ये 3 सीडी प्ले नहीं हो रही है, 4, 5, 6 इनका डेटा रिकवर करो। सर सर, मैं मानता हूँ कि मैं जागृति का भाई नहीं हूँ, पर सर मैंने वो मकान जागृति के लिए ही लिया था। जागृति है कहाँ? सर मुझे नहीं पता जागृति कहाँ पर है। बेटा मालूम तुझे सब है, पहले बोल रेड एग्रीमेंट पे तूने अपनी फेक डिटेल्स क्यों दी थी? मैं जागृति की सिर्फ हेल्प करना चाहता था। कैसी हेल्प? सर वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। सर फिर मैंने उसे बोला कि अगर हम भाई बहन बन के जाएंगे तो हमें मकान इजीली मिल जाएगा और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने फेक एड्रेस प्रूफ दिया। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई भी इंटेंशंस गलत नहीं थी। लेकिन जागृति अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि वो उसके सौतेले माँ बाप थे सर। सौतेले माँ बाप? हाँ सर, जब जागृति 9 साल की थी तो उन्होंने उसे ममता ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया, लेकिन जागृति की उससे बनती नहीं थी सर। उसे जब भी रेंट और पैसों की जरूरत पड़ती थी तभी वो अपने सौतेले माँ बाप को कॉन्टैक्ट करती थी। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो एकदम से गायब कहाँ हो गए। ज्यादा होशियारी मत दिखा, अगर हमें बाद में पता चला ना कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है तो जानता है ना क्या आचरण होगा तेरा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि जागृति कहाँ है। जागृति का मोबाइल नंबर तो होगा तेरे पास? हाँ 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 सर है, वो मेरे फोन में जो आपके पास है। जी हाँ, ममता अनाथ आश्रम से हमने जागृति को गोद लिया था जब वो 9 साल की थी। और सोनम नाम की भी किसी लड़की का उसने हमसे कभी कोई जिक्र नहीं किया। जागृति के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और चेक करो उसका फोन कब और कहाँ बंद हुआ था। हो सकता है उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें कोई क्लू मिल जाए जो सोनम के कातिल से ताल्लुक रखता हो। सर ये सीढ़ी नंबर 4 तो प्ले हो रही है लेकिन 5 और 6 प्ले नहीं हो रही। 5 और 6 की फुटेज भी रिकवर करवाओ। ओके सर। सोनम तुम्हारे कितने सपने थे, तुम बहुत पढ़ना चाहती थी, तुम यूएसए यूके जैसे बड़े बड़े देशों में घूमना चाहती थी, लेकिन बड़े बड़े देशों का एग्जाम्पल देके तुम सलीम अंकल के बारे में बातें करती थी जिनकी जॉब दुबई में लगी थी और वो तुम्हें चॉकलेट्स देते थे, उनकी चॉकलेट्स तुम मुझसे शेयर करती थी और कहती थी पता है आज सलीम अंकल क्या बोले? उन्होंने बोला कि वो मुझे अपने साथ दुबई लेके जाएंगे। मैं तभी से तुम्हें खोने से डरती थी लेकिन मुझे क्या पता था तर तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी। सरप्राइज फॉर यू जागृति, पार्टी करेंगे सब लोग। सलीम? हाँ साहब, एक सलीम कुरैशी उसका परिवार इसी गांव में रहता था।
उसका सोनम के घर में भी आना जाना था। सोनम क्या, सलीम सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। ये सलीम कुरैशी और उसका परिवार अब कहाँ है? साबो सलीम की दुबई में नौकरी लग गई थी, तो पहले तो ऐसे साल में आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए दुबई चला गया। दुबई चले गए, कब शिफ्ट हुए? सोनम के माँ बाप की मौत के कुछ महीनों बाद। सीडी की इस फुटेज में जागृति की बातों से लगता है कि सोनम का रेप और मर्डर करने वाला आदमी सोनम और जागृति दोनों को जानता था। कहीं वो सलीम कुरैशी तो नहीं है? इसी वजह से वो अपनी फैमिली सहित दुबई भाग गया हो? हो सकता है सर, लेकिन सोनम के जानने वाले जितने भी लोग हमें मिले उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो जागृति के बारे में जानता हो। जागृति के पेरेंट्स बोल रहे थे कि जागृति अनाथ थी, उन्होंने उसे ममता बाल आश्रम से अडॉप्ट किया था। फिर जागृति सोनम की दोस्त कैसे और कहां बनी होगी? मैंने 9 साल पहले जागृति को यहां से अडॉप्ट किया था। ये जागृति अनाथालय में आई कब थी? सर, एडॉप्शन के करीब 1 साल पहले उसे कोई अनाथालय के बाहर छोड़ गया था। सर, हमने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे हमें कुछ नहीं बताया था कि उसे यहाँ कौन छोड़ गया था। हमने उसके माता पिता रिश्तेदार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताया। जागृति नाम भी हमने ही उसे दिया है। हेलो, व्हाट? मैं भी पहुंचा। हाँ मनीष। सर, जागृति ने उस रिकॉर्डिंग में कहा था कि सोनम को मार के तालाब में फेंक दिया गया था, लेकिन पिछले 10 साल से तालाब के आसपास कोई बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन अभी यहाँ गोमती नगर के तालाब के पास टूरिया नाम की एक बच्ची की लाश मिली है जो कुछ ही दिनों पहले मिसिंग हुई थी। यानी ये 9वीं बच्ची है जो सोनम के बाद मिसिंग हुई थी? जी हाँ सर, और इस बॉडी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है, ये केस भी रेप और मर्डर का है। सर, अगर इन सभी बच्चियों के केसेस को एक ही क्रिमिनल से जोड़ें तो ये कोई सीरियल किलर भी हो सकता है, जिसने सबसे पहले सोनम को और एक के बाद एक इन बच्चियों को गायब किया। लेकिन लाश धुरिया की ही मिली थी और सोनम का भी रेप और मर्डर हुआ था, ऐसा जागृति उस वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रही है, और वो ये भी बोल रही है कि वो और सोनम उस किलर को जानते थे। जागृति के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, जागृति का फोन 3 महीने पहले 5 जून को सीमापुरी में बंद हुआ था। सीमापुरी? सर, सीमापुरी वैशाली से ज्यादा दूर नहीं है, और वैशाली में सोनम का ताऊ रहता है। सोनम का ताऊ? सोनम के गायब होने और उसके पेरेंट्स के सुसाइड करने का सबसे ज्यादा फायदा सोनम के ताऊ का ही हुआ है। हो सकता है सोनम के पेरेंट्स की आत्महत्या उसके ताऊ की कोई साजिश हो। लेकिन सर, हमें सलीम कुरैशी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सोनम के पेरेंट्स के डेथ के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर दुबई शिफ्ट हो गया था, और सब मालूम चला है कि हर साल वो दुबई से इंडिया आता है। पता करो, जब जब सलीम कुरैशी दुबई से इंडिया आता था उसी दौरान ये बच्चियां गायब हुई हैं क्या? और सोनम के ताऊ की भी कुंडली निकालो। सर, सोनम के ताऊ और उसके दुबई वाले अंकल सलीम कुरैशी पर शक करने की वजह थी, लेकिन ये केस इतना पुराना था कि मौजूदा वक्त में सबूतों के लिए जोड़ तोड़ करना मुश्किल साबित हो रहा था। और हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि जागृति, जो सोनम की बेस्ट फ्रेंड होने का दावा कर रही थी, उसे सोनम से जुड़े लोग नहीं जानते थे, और जागृति को जानने वाले लोग भी सोनम के बारे में नहीं जानते थे। सोनम का मिसिंग केस फाइल होने के कुछ वक्त बाद ही जागृति का अनाथालय में जाना शक के बादल और भी घने कर रहा था। हम 3 जगह के डम डेटा पर काम कर रहे थे। 1, जहां पर जागृति का मोबाइल फोन बंद हुआ था। 2, जहां पर धुरिया की लाश मिली थी। और 3, बुधवा गांव, जहां की सोनम रहने वाली थी। इसी दौरान जागृति के घर से मिली उन 4 CDs में से बाकी 2 CDs का डेटा रिकवर कर लिया गया। I'm sorry, सोनम, कल वो गौतम अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ गया, इसलिए मैं तुमसे आगे बात नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि वो अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ जाएगा। कल तो उसने मेरा मूड ही खराब कर दिया। सरप्राइज फॉर यू जागृति, व्हाट्सअप, सब पार्टी करेंगे आज। सिर्फ मेरी वजह से तू यहाँ पे रुकी हुई है। अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करता ना, पता नहीं तू कहाँ रुकती। तेरी जो भी है रोक टोक है ना, यहाँ पे नहीं चलेगी, समझी? देख क्या रही है, चल अभी मजे करते, चल आ जा। मैं गौतम को मना नहीं कर पाई, मुझे तो उससे और भी नफरत हो गई है। मैंने उसे देखते हुए देखा, मैंने गौतम से क्या हर लड़के से दूरी बना ली थी, लेकिन रोहित सर वो थोड़े डिफरेंट है। रोहित सर? मुझे लगता है रोहित सर मुझसे, लेकिन वो कह नहीं पाते, पर मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो ना बहुत हेल्पफुल है, और मुझे भी तो उनकी हेल्प चाहिए ना।
लगता है वो आ गए सोनम। मैं ना तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? बाय। जागृति को तूने गायब किया है ना? हाँ बोल, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम सर कहाँ है वो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच कह रहा हूँ सर, वो पक्का। जागृति ने तुझे देखते हुए पकड़ा था, है ना? गौतम? हाँ? तुम देखते हो शर्म नहीं आती है? ए, क्या है इसमें, सब लोग देखते हैं, नॉर्मल है। इट्स अ क्राइम, मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगी। देख जागृति, पुलिस को मत बताना, आई प्रॉमिस मैं वापस नहीं देखूंगा। वो नहीं मानी इसलिए तूने उसको मारा? नहीं सर, मैंने जागृति को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूँ मैं। और ये रोहित सर कौन है? कौन रोहित सर? मैं किसी को नहीं जानता सर, सच कह रहा हूँ मैं। सर जागृति के नंबर से जिस नंबर पे लास्ट कॉल हुआ था वो नंबर किसी रोहित सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैंने चेक किया, इस रोहित का फोन अक्सर उसी एरिया में एक्टिव रहता था जहां जागृति गायब रहती थी। हाँ सर, जागृति मेरी फ्रेंड है। तो अभी कहां है वो? सर मुझे नहीं पता, हम दोनों की काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। हमें पता चला है कि तू भी उसी ऑर्फनेज में था जहां पे जागृति थी, और अडॉप्शन के 9 साल बाद अचानक से जागृति की जिंदगी में कैसे आ गया तू? सर मैं जागृति को पहले से पसंद करता था, जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को अपने बल पे सेटल किया, एक अच्छी जॉब भी पाई, फिर मैंने सोचा कि मैं जागृति से दोबारा मिलता हूँ। सर मैंने पता लगा लिया था कि वो KMT कॉलेज में पढ़ाई कर रही, और एक दिन जागृति क्या हुआ, और फिर हम दोनों अक्सर मिलने लगे, और इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। पर सर 6 महीने पहले उसने मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज बताया। उसने मुझसे कहा कि उसके पेरेंट्स उसके घर के बारे में उसे पता था, वो जानती थी उसके असली माँ बाप कौन है। लेकिन हमें पता चला है कि जागृति तुझसे कोई मदद चाहती थी, उसने लास्ट कॉल में तुझे ही किया था। हाय जागृति। रोहित सर। जागृति तुम रो क्यों रही हो? अब आप मुझे भूल जाइए। अरे जागृति, उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की। सर ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस दिन उसने उससे ऐसा क्यों कहा था। सर जागृति का फोन सीमापुरी में जिस दिन बंद हुआ था उस दिन वो एक औरत के साथ अमित होटल के पास एक CCTV में कैप्चर हुई थी, ये देखिए। और सर सीमापुरी सोनम का बुधवा गांव और वो तालाब जहां पे हमें दुरिया की लाश मिली थी, इन तीनों जगहों के डंप डेटा में एक कॉमन नंबर मिला है जो बुधवा गांव के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। किसका नंबर है? सर किसी भुवन कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड है। भुवन तुम्हारा पति है और उस दिन वो उस अमित रेस्टोरेंट के पास था जहां पर तुम जागृति से मिली थी। हाँ मिली थी, पूरे 10 साल बाद। उस दिन मैं उसे आखिरी बार मिली थी, मैं ऐसी हाँ भागी औरत हूँ जिसने अपने बेटे को जीते जी अनाथ बना दिया। जागृति तुम्हारी बेटी है? जागृति नहीं, मेरी बेटी का नाम श्वेता है। उसके पाप ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी, मेरी बेटी को अपना आवाज का शिकार बना दिया जब वो बेचारी सिर्फ 7 साल की थी। फिर इस दरिंदे की नजर सोनम पे पड़ी जिसके साथ मेरी श्वेता खेला करती थी। सोनम मैं घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है, चल बाय। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। पापा ने सोनम के साथ गंदा काम किया, फिर उसे मार के तालाब में फेंक दिया और मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। मैंने अपनी श्वेता को उसके नजरों से बचाकर अनाथालय छोड़ दिया, मुझे लगा मैंने उसे बचा लिया, लेकिन मैं गलत थी।
तीन महीने पहले अचानक से उसने मुझे फोन किया। हेलो माँ। श्वेता तू? आप मुझे भूल गई ना, अब तो मैं आपको याद भी नहीं आती होंगी। नहीं बेटा ऐसा मत बोल, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो तुझसे मिलने अनाथालय भी जाती थी, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं बन पाई। तो किसी और की बेटी कैसे बन पाती, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही। आप अपने पति से डर के उसे बचाती रही, लेकिन मैं नहीं। अब मैं सोनम को इंसाफ दिलाऊंगी। देख श्वेता तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो तुमने अपने पति को बचाने के लिए उसे मना किया और उस दिन उस अमित रेस्टोरेंट के पास मिलने के लिए बुलाया। वो बिना मुझसे कुछ बोले वहां से चली गई और मुझे नहीं पता था कि मेरा पति वहीं पे था। उस दिन सरला को जब उसने फोन किया तो मैंने सरला को उससे बात करते हुए सुन लिया था, और अगले दिन जब श्वेता खुद को बचाने के लिए मैं श्वेता को मारने ही वाला था, मुझसे पहले ही उसने थी। और कितने बच्चों को शिकार बनाया तूने? श्वेता उर्फ जागृति का पिता भुवन ही वो सीरियल रेपिस्ट और किलर था जो पिछले कई सालों से कई बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था, लेकिन उसका ये अपराध हर रोज उसी के घर में श्वेता उर्फ जागृति की माँ को दस्तक दे रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसकी माँ ने अपने पति को बचाने के लिए अपनी ही बच्ची को अनाथ कर दिया। 8 साल घर की चारदीवारी में और बाकी के 10 साल मन के अंधेरों में गुजारने के बाद अपने डर से जीत कर श्वेता उर्फ जागृति अपने पिता की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसकी माँ ने ही उसका साथ नहीं दिया। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।